हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मेंटर। मैं हूं गोविंद साथ, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल में टोटल एप्लीकेशन और कंपटीशन के बारे में। ठीक है, बेसिकली 2022 के ऊपर हम लोग का फोकस होगा। ठीक है, कितने एप्लीकेशन आए हैं और क्या कंपटीशन है, तो देखिए एजेंडा क्या रहेगा, कंपटीशन ट्रेंड कैसा रहा है। ठीक है, सेकेंड कंपटीशन पर सीट कितना है और टोटल एप्लीकेशन कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पे ईयर वाइज दिया गया आपको, हर ईयर में कितना वैकेंसी है, ये आपको यहाँ पे दिया गया टोटल एप्लीकेशन रिसीव। तो एक चीज आप देखिए, अगर आप यहाँ पे एवरेज पे निकालते हैं तीनों ईयर का, तो आपको लगभग 7,500 या फिर उसी के करीब आपको मिलेगा, अराउंड 8,000 आप पकड़ सकते हैं। इस साल काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है, ठीक है, 2022 में, और उस हिसाब से लेकिन एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ। ऑन एन एवरेज हर साल अगर आप तीनों साल का निकालते हैं तो आपको 21 करीब करीब मिल जाएगा। ठीक है, 21 करीब करीब एवरेज होगा। तो इस साल क्योंकि वैकेंसी लगभग 3 गुना है, लगभग 3 गुना, ठीक है, थोड़ा ही कम है 3 गुना से, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ अगर आप देखें तो 13 लाख ज़्यादा रिसीव हुआ, वो भी किन्होंने अप्लाई किया, बेसिकली जो लोग बैंक के थे, ठीक है, जो लोग स्टेट पीएससी ये सब का तैयारी करते हैं वो लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असली चीज़ यहाँ पे देखिए आपको इधर देखने मिल जा रहा है, कंपटीशन पर सीट, हर सीट में कंपटीशन कितना है। 2019 में 258 था, 2020 में 311, बहुत ज़्यादा क्योंकि वैकेंसी कम था, ठीक है, और 2021 में 272, फिर से बहुत ज़्यादा। इस बार देखिए कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है, ठीक है, बहुत कम कंपटीशन है, वेरी लो। इस बार चांसेस आप लोग के पास बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा चांस है स्कोर करने का। 167 देखिए काफ़ी लो है, ठीक है, एक सीट के लिए 167 एस्पिरेंट्स हैं, और इतने भी रियल नहीं है। देखिए बहुत जनों ने तो मतलब भीड़ में बढ़ दिया, ठीक है, लेकिन कंपटीशन इतना भी रियल नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली देखिए हर साल इतने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल तो इतना ही है, बाकी जो भीड़ आया है वो ऊपर से है, प्लस इतने में भी सीरियस बहुत कम होते हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से भी बहुत जो होते हैं वो लोग बैंक के कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है, जो लोग अप्लाई करते हैं, और भी वेरियस गवर्नमेंट जॉब के जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो लोग भी अप्लाई कर देते हैं, जो ग्रेजुएट करके निकले उनका तैयारी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं। तो बेसिकली देखिए अगर आप पिछले 3 साल का एवरेज निकाले, तो पिछले 3 साल के एवरेज कंपटीशन पर सीट निकलता है 278, और उसको अगर आप कंपेयर करें इस साल से, इस साल कितना है 167, तो मतलब डिक्रीज कितना का हुआ है, डिक्रीज 111 का हुआ है, ठीक है, जो कि रफली 40% के बराबर हो रहा है। मतलब इस साल 40% कंपटीशन डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब ये है, देखिए साफ शब्दों में ये समझिए, अगर पहले एक सीट के लिए 100 बच्चे, ठीक है, 100 बच्चे फाइट करते थे, तो अब क्या हुआ, उसी सीट के लिए सिर्फ 60 बच्चे रह गए, ठीक है, 60 एस्पिरेंट्स रह गए फाइट करने के लिए, तो 40 एस्पिरेंट्स ऐसे ही कम हो गए। ठीक है, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन इस बार कितना कम है, और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए नौकरी लेने का। अगर इस बार नहीं ले पाते तो फिर बाद में बहुत टफ हो जाएगा, बात तो कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में वोट भी आने वाला है, सरकार को नौकरी देना भी है, और इस बार आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल भी जाएगी, प्रोसेस बहुत फास्ट करने की कोशिश किया गया। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखें तो देखिए ट्रेंड आपको क्या दिखता है, ट्रेंड यही दिख रहा है कि कंपटीशन काफ़ी कम है, कंपटीशन पर सीट देखिए धड़ाम से नीचे आके गिर गया। ठीक है, तो देखिए ये जो 4 to 5 months होने वाले हैं, 4 to 5 months आपके ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले क्या किया है, 2022 अक्टूबर इसके पहले आपने क्या किया है कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, कैसे स्टूडेंट रहे अपने ज़िंदगी में, आपने क्या किया कुछ मैटर नहीं करता है। ये चार से पाँच महीने मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सही से 100% आप अपना देते हैं, ठीक है, अपने आप से आप ऑनेस्ट रहते हैं, सही प्रिपरेशन करते हैं, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बिना कोई इधर उधर, समझ रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं, ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन में ऑनेस्ट हैं, फिर मेहनत भी कर रहे हैं, क्या क्या जरूरी हो जाता है, मेहनत, आपका हार्डवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ठंडी का मौसम आने वाला है,
और बहुत से लोग अपने कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। लेकिन अगर नौकरी पाना है तो देखिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा, ठीक है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। ये आप बहुत बार सुनते भी हैं, ठीक है, मोटिवेशन, और सही भी है, बिना कंफर्टेबल जोन के बाहर आए कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। मुझे भी नौकरी मिला क्योंकि मैं भी अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आया, तो कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा हो गया, देखिए आपको ट्राई करते रहना होगा, ठीक है। आप हो सकता है आपका फेलियर होते रहे, आपका मॉक्स में अच्छा नंबर नहीं आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है मॉक में आपका नंबर 90 से 110 के बीच में ही आ रहा हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। इससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, इससे आपको निराश नहीं होना, ये नहीं सोचना कि हाँ 1-2 महीने बाद परीक्षा है क्या होगा। आप लगातार देते रहे मॉक अपना, जो भी है, जो भी आपका प्रश्न चल रहा है, आप देखेंगे अचानक से आपका नंबर बढ़ जाएगा, सबके साथ यही होता है, ठीक है। विराट कोहली की तरह बनना है आपको, विराट कोहली का बिरन नहीं बनना था 2019 से, क्या विराट कोहली ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, क्या उन्होंने संन्यास ले लिया, नहीं लिया, फिर उन्होंने कमबैक किया 2022 में, ठीक है। तो आप जो प्रोसेस में, वो प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तीसरा चीज क्या है, देखिए एक तो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए, तीसरा दूसरा हो गया आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। जो भी है, मैथ्स है, मैथ्स नहीं बन रहा है, आप ट्राई करते रहिए, जो भी सब्जेक्ट आपको दिक्कत दे रहा है, चाहे ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ, ट्राई करते रहिए, एक ना एक दिन हो ही जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा देखिए काफी इंपॉर्टेंट, तीसरा हो गया टाइम अलॉटमेंट, ठीक है। ये बहुत से एस्पिरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, टाइम अलॉटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, अब बहुत ज्यादा मैटर करेगा। पहले दो ही रह जाते थे, मैथ और इंग्लिश, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स कैरी करते थे, अब ऐसा नहीं है, अब चार सब्जेक्ट्स हैं, चारों आपके डिसाइड करेंगे, ठीक है, आपके रैंक और क्या पोस्ट आपको मिलने वाला है, तो इसीलिए आपको सही से टाइम अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम अलॉटमेंट, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे टाइम मैनेज करेंगे आप, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा, क्योंकि तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैनेजमेंट का स्पेलिंग गलत है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लग सकता है बट आपको आउटपुट ऐसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जीके, जीके में टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ट्रू है, मतलब सही बात है, आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप जीके छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश ऐसा चीज़ जिसमें आपको प्रैक्टिस करना ही है, मैथ्स ऐसा चीज़ जिसमें, मैथ्स रीजनिंग इस तरह आपको प्रैक्टिस करना ही है, कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ हैं जो आपको मतलब याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। बस यही बताना था आप लोगों को, कंपटीशन देखिए इस बार अच्छा है, सुनहरा अवसर है, 4 से 5 महीने अगर आप सही से देते हैं तो आप अपना योर प्लस फैमिली, आप खुद का और खुद के फैमिली का लाइफ बदल के रख सकते हैं, ठीक है। ये 4 से 5 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।